आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम जितने भी CSP संचालक हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी से हैं या डायरेक्ट किसी बैंक से हैं, जब वो कमीशन पाते हैं तो TDS काट करके ही कमीशन पाते हैं। ऐसे में उनका TDS कटता रहता है और बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जो TDS रिटर्न नहीं कराते हैं या ITR दाखिल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती है। तो जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने के बाद जरूर इस वीडियो को अपने जो अन्य भी संचालक हैं, CSP चलाते हैं, उनको जरूर फॉरवर्ड करें, उनको जरूर भेजें, इससे उनको भी जानकारी हो पाए कि ITR वो जरूर भरें। भरने से क्या क्या लाभ हैं? लाभ तो साथियों बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो है कुछ CSC से जुड़ी लाभों के बारे में बताऊंगा और साथ में इसका लास्ट डेट कब है ITR दाखिल करने का, ये भी मैं बताऊंगा। वह ITR जिनको दाखिल कराना है वह हमसे संपर्क करके भी ITR दाखिल करा सकते हैं। तो इसके लिए जो साथियों, अब देखिए यहाँ पर यह 29 अगस्त 2021 यानी कल का समाचार है यह कि ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ गई है। यह 31 अगस्त थी, अब इसे बदलाव करके टैक्स विवाद विश्वास एक्ट सेक्शन के तहत लिया गया है, यानी इसको जो है अब बढ़ा दिया गया है। कितना डेट बढ़ा हुआ है इसको जान लीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा करके 30 सितंबर कर दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT का यह निर्णय है। यह तारीख पहले 31 अगस्त थी, अब यह बदलाव डायरेक्ट टैक्स विवाद के विश्वास VSV एक्ट सेक्शन 3 के तहत किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया पोर्टल New IT पोर्टल तकनीकी गड़बड़ियों के कारण जो है कुछ टैक्स भरने में परेशानी आ रही थी, जिसकी वजह से जो है आप सबको ये सुविधा मिली हुई है। साथियों, जो भी हमारे साथी हैं उनको टैक्स भरने से लाभ क्या है, थोड़ा सा मैं उनको बता दे रहा हूँ कि साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक आदेश है कि जो भी CSP संचालक हैं, यदि 1 करोड़ रुपए से अधिक करेंट अकाउंट से जमा या निकासी करते हैं तो उनको 2% TDS देना होता है। लेकिन साथियों, हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं कि 2 लाख नहीं, जैसे ही उनका 10 लाख 15 लाख 20 लाख होता है वैसे ही उनका TDS करना स्टार्ट हो जा रहा है। ऐसे दशा में साथियों, अगर आपको बचना है तो आपको अपना ITR दाखिल कराना ही होगा। जो लोग ITR दाखिल नहीं कराते हैं वह उनका लिमिट से पहले ही TDS कटना स्टार्ट हो जाता है। साथ में साथियों, हम लोग का 1-1, 2-2 रुपया जो है जो TDS कटता रहता है, यह साल के अंत में एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो अगर आप इसे टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आप जो है इसको रिटर्न करा सकते हैं। 10,000, 5,000, 20,000 जो भी आपका अमाउंट है वो अमाउंट रिफंड आपको मिल जाएगा, प्लस आपकी जो इनकम है, जो भी इनकम आप दर्शाते हैं, जो आपकी इनकम है वो 1 नंबर में जुड़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर आपने ITR इस साल 3 लाख पर कराया तो 3 लाख रुपये आपका जो है 1 नंबर की कमाई हो गई, आप कहीं भी उसे लगा सकते हैं। अगले साल आपने 4 लाख पर कराया तो 7 लाख रुपए का आपका ITR कंप्लीट हो गया, जो 1 नंबर की आपकी इनकम है। कहीं भी आप अगर कोई भी काम करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, गाड़ी लेते हैं, कोई करते हैं, तो आप दिखा सकते हैं कि मैंने इतना पैसा 1 नंबर से कमाया हुआ है। इसके अलावा जो है, जब आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी बैंक में जाते हैं फाइनेंस के लिए, लोन लेने के लिए, तो भी आपका ITR चेक किया जाता है कि आप ITR फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, कितने का आपका ITR फाइल हो रहा है, ये सारी चीज़ें देख करके ही आपको फाइनेंस यानी लोन दिया जाता है। तो साथियों, जिनको भी TDS से संबंधित जानकारी चाहिए या आपको TDS जो कटा हुआ है उसे आपको रिफंड चाहिए या कितना आपका कटा हुआ है, इसके बारे में जानकारी के लिए आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ संपर्क करके उनसे बात करके काम को करवा सकते हैं। साथियों, जानकारी आपको एक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।